दल बदलू हैं जो लोगों के साथ समय समय पर छल करते हैं, इनकी नीयत भी बीजेपी जैसी है। बीजेपी जैसे लोगों को विश्वास में लेकर धोखा देने का काम करती है, उसी तरीके से दारा चौहान की नीयत है। भाई साहब का कब दल बदल जाएगा, आज सुबह यहाँ है, शाम कहाँ होगा, शाम यहाँ है, सुबह कहाँ होगा, ये उनका दल निश्चित नहीं है। लेकिन अब हमारी शासन व्यवस्था क्या है, जिस शासन व्यवस्था में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, वो महिलाओं के लिए और क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी महिलाओं को इस पर ध्यान दे करके हमको साइकिल पर बटन दबाना है और समाजवादी पार्टी को जिताना है। यहाँ की घोसी की जनता उस व्यक्ति से अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है और घोसी के सभी वर्ग के लोग उस व्यक्ति को हराने के लिए मन बना लिए हैं। देश की आज़ादी में छात्रों वकीलों की बड़ी भूमिका थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से छात्र भी बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। उसकी पहली वजह है कि नेतृत्व कहीं कमज़ोर था, लेकिन अब नेतृत्व में कुछ जान आया है और नेतृत्व को देखते हुए छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष आपके हमारे मिलित कुशवाहा जी से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं छात्रों के आंदोलन को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे इस जीत में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे गरीब सामान्य परिवार से निकले हुए नौजवान पर भरोसा जताया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। और मुझे मैं उनको यह भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस भरोसे और उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस उम्मीद पर खरा उतरने का काम करूंगा और समाजवादी छात्र सभा को कि नई ऊंचाई देने का काम करूंगा और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। इस वक्त युवा जो है आपका भारतीय जनता पार्टी ने बांट दिया है, धर्म में बांट दिया है, उस धर्म के वो आग को कैसे आप बुझाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर छलावा किसी के साथ किया है तो नौजवानों के साथ किया है। 2014 में नौजवानों को उन्होंने भरोसा दिलाया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, लैपटॉप देने का काम करेंगे, उन्हें रोज़गार देने का काम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता नौजवान भी जागरूक होता चला गया। आज विश्वविद्यालय के अंदर या महाविद्यालय के अंदर नौजवान डिग्री तो ले रहा है, लेकिन निकलने के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये पता नहीं चल पा रहा उसे कि नौकरी और रोज़गार मिलेगा या घर जाकर खेती करना पड़ेगा। लेकिन नौजवान अब समझ रहा है, धीरे धीरे अब समझ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों को भी समझ रहा है और इसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी को नौजवान अब छोड़ रहा है। और मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि नौजवानों ने जब जब अंगड़ाई ली है, बड़े से बड़े से सत्ता को हिलाने का और बदलने का काम किया है और यही होने जा रहा है 2024 में नौजवान इस बार अंगड़ाई लेने जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के NDA को हराने जा रहा है और इंडिया को इस बार जिताने, इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहा है। और मैं ये भी भरोसा दिला रहा हूँ आपको, अभी आप 5 तारीख को चुनाव हो रहा है, घोसी का जो चुनाव हो रहा है, देखिएगा सबसे बड़ी सहभागिता अगर किसी को होगी तो नौजवानों की होगी। नौजवान बड़ी संख्या में अपने परिवार के वोटों को बूथ पर ले जाएगा, वोट डलवाने का काम करेगा और ये जो दल बदलू हैं जो लोगों के साथ समय समय पर छल करते हैं, इनकी नीयत भी बीजेपी जैसी है। बीजेपी जैसे लोगों को विश्वास में लेकर धोखा देने का काम करती है, उसी तरीके से दारा चौहान की नीयत है। भाई साहब का कब दल बदल जाएगा, आज सुबह यहाँ है, शाम कहाँ होगा, शाम यहाँ है, सुबह कहाँ होगा, ये उनका दल निश्चित नहीं है। लेकिन इस बार मऊ की और घोसी की सम्मानित जनता ने तय कर लिया है कि इस बार सुधाकर सिंह को, घर के लाल को जिताने का भी काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मऊ को जो सम्मान दिया है, दोबारा उनके भी कद को, उनके सम्मान को देने का काम करेंगे। ये इस बार घोसी की जनता ने सोच मन बना लिया है। कुछ लोग और बच्चे में मैं आपसे जानना चाहता हूं, परिचय दीजिए अपना। मैं रविंद प्रताप यादव, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजीपुर। गाजीपुर से आप आए हैं यहां पे चुनाव प्रचार में, मैं लोगों को क्या संदेश देंगे? यहां के लोगों को संदेश ये दूंगा कि ये जो चुनाव हो रहा है, प्रदेश ही नहीं पूरा देश इसको देख रहा है। और चुनाव क्यों हो रहा है, एक व्यक्ति दल छोड़कर उसी दल में गया, इसीलिए हो रहा है। तो यहाँ की घोसी की जनता उस व्यक्ति से अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है और घोसी के सभी वर्ग के लोग उस व्यक्ति को हराने के लिए मन बना लिए हैं। और कम से कम मैं जो करीब 20 तारीख से ही घोसी में, हम लोग माननीय विधायक जी के साथ, वीरेंद्र जी के साथ आ जा रहे हैं,
हमको जहां तक अंदाजा है कि कम से कम 50,000 मतों से सुधाकर सिंह की समाजवादी पार्टी की जीत होने जा रही है। देखिए युवा, युवाओं को संदेश देने का यकीनन ये समय आ गया है। ये उपचुनाव युवा अगर संदेश अगर दे देता है तो यकीनन 2024 का नज़ारा कुछ कुछ और होगा, क्योंकि यकीनन 2014 के बाद से जिस तरह से महिलाओं को, जिस तरह युवाओं को ठगा, किसानों को, सबको ठगा जा रहा है और ठगने का प्रयास किया जा रहा है, यकीनन इसका कुछ रिजल्ट आएगा और उपचुनाव घोषी जो है यकीनन कुछ संदेश देगा। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। मैं एक महिला से बात कर रहा हूँ, इस वक्त देश के क्या हालत हैं, ये उपचुनाव में घूम के प्रचार कर रही हैं, तो इनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं। मैं पूनम यादव, विधानसभा अध्यक्ष अतरौलिया, महिला प्रकोष्ठ। मैं महिलाओं को यही समझाना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं जो चूल्हा चौका तक सीमित थीं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किसने किया है, यही महिलाओं को सोचना है। उन महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम अगर किया है तो हमारी समाजवादी पार्टी ने किया है, इसके अलावा और किसी ने किया है। इस वक्त देश के जो हालात हैं, इस हालात में जिस तरह से महिलाओं को बांट दिया गया, युवाओं को बांट दिया गया, धर्म के नाम से बांट दिया गया, ऐसे हालात में इन महिलाओं को धर्म से निकाल कर कैसे आप समाजवाद की तरफ ले जाएंगे? हम महिलाओं को यही समझाना चाहते हैं कि सब कुछ मानते हुए अगर उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर मिला है तो हमें उनके साथ आना चाहिए, वो चाहे किसी भी वर्ग की हों, जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो आगे आई हैं, उनको समाज में अधिकार मिला है, पहले तो उनको कोई अधिकार नहीं था, केवल खाना बनाने का अधिकार था, आज वो संपत्ति में भी बराबरी की हिस्सेदारी है, हर जगह उनको उनके नाम से खेत रजिस्ट्री हो रहा है, मालकिन है वो, आधी भागीदारी की हिस्सेदार हैं वो, इसलिए उन्हें उन्हीं का साथ देना है जो उनके उनके लिए काम आए, वही पार्टी। इस वक्त जो आपके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सौगात दिया है, गैस सिलेंडर पर 200 रुपया का सब्सिडी दिया है और कह रही है महंगाई तो मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि 2014 में यही गैस सिलेंडर 400 रुपये था और ये कम करके प्रचार किया जा रहा है कि हम कम महंगाई कम कर दें, तो एक महिला होते हुए और इस पर क्या सोच रही हैं? हम यही सोचेंगे कि पहले तो दाम बहुत घटा हुआ था, फिर दाम इन्होंने बढ़ा दिया, बढ़ा करके 200 कम कर दिया, ये क्या है, ये तो कोई बहुत बड़ा काम इन्होंने नहीं किया है, और महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया है, महिलाओं को निर्वस्त्र करा के घुमा रहे हैं और उनको उनको ढकने वाला कोई नहीं है। बताइए अब हमारी शासन व्यवस्था क्या है, जिस शासन व्यवस्था में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, वो महिलाओं के लिए और क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी महिलाओं को इस पर ध्यान दे करके हमको साइकिल पर बटन दबाना है और समाजवादी पार्टी को जिताना है। देखा आपने, ये महिला संदेश दे रही हैं, मणिपुर का भी संदेश दे रही हैं कि जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं को नंग वस्त्र में घुमाया गया, साथ बलात्कार किया गया, दूसरी तरफ इनका एक संदेश यह भी है कि आपका गुजरात में बिल्किस बानो के साथ बलात्कारियों को दोबारा छोड़ दिया गया, उन तमाम की महिला संदेश दे रही है कि ऐसी महिला की जो महिलाओं के साथ में अपमान करते हैं, उन्हें बलात्कार करते हैं और उनसे छोड़ दिया जाता है, सम्मान देते हैं, ऐसे हालात में मौका मिला है हमें कि हम इस उपचुनाव में हम किसी तरह न किसी तरह से सुधाकर सिंह को जिताने का आप संदेश दे रही हैं। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।